तो आज की हम क्लास में बात कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स, ग्राफ, कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे उसको ग्राफ्स कहते थे, एक्सेल में उसको हम लोग चार्ट्स कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स में उसको विजुलाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसको जाना जाता है, बहुत पुराना सिस्टम। तो जो चार्ट्स इंसर्ट मेनू बार के अंदर में इतने सारे चार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं, आखिर उनका क्या इस्तेमाल है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट्स लगाने की मोटिव्स को, कि चार्ट लगाने की मोटिव्स क्या है, मतलब क्या उसका जरूरत की है, चार्ट क्यों लगाते हैं। देखिए, ये चार्ट चाहे जिस तरह का लगाइए, जिस डिजाइन में लगाइए, कितना भी कलाकारी कर दीजिए, चार्ट का यूज होता है कंपेयरिंग करने के लिए, डेटा को कंपेयर करने के लिए, कि किस तरह से आप डेटा को कंपेयर करेंगे। जैसे आपके सामने एक मंथली सेल्स रिपोर्ट डली हुई है, अभी सेल्स रिपोर्ट को देख के आप इजीली बता सकते हैं कि किस महीने में सबसे ज्यादा सेल है और किस महीने में सबसे कम सेल है। ठीक है प्रवीण जी? लेकिन यही डेटा लाखों में, करोड़ों में हो जाएगा तो आपको बताना मुश्किल होगा कि कौन सा मंथ हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। चलो, आपके पास गणित की अच्छी खासी नॉलेज है, बता भी दें, लेकिन जरूरी नहीं है। रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दो। रिपोर्ट जिसको भेज रहे हैं वो भी इसको समझ सके। तो यहाँ पे हम चार्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें इजीली कंपेयर करके दे देता है कि कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे कम है, चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो चार्ट चाहे आप लाइन चार्ट यूज करें, चाहे कॉलम यूज करें, उसका इस्तेमाल होता है कंपेयरिंग करने के लिए। समझे शिवम जी? तो हमने बताया कि चार्ट का यूज क्यों होता है, डेटा कंपेयर करने के लिए। तो चार्ट का इस्तेमाल चाहे कुछ भी करे, डेटा कंपेयर करने के लिए होता है। अब यहां पे बात करते हैं जो हम एक्सेल के अंदर में जो चार्ट्स यूज करते हैं, या जो आप सांख्यिकी के अंदर जो पढ़ते हैं अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की क्लासेस में जो आप पढ़ते हैं, क्या ये इधर बनाया गया है या ये बहुत पहले से चला आ रहा है? देखिए, मैंने अभी भी बताया आपको कि चार्ट्स का इस्तेमाल डेटा को कंपेयर करने के लिए होता है, ताकि आप कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है उसकी अरेंजिंग आराम ढंग से कर सके। लेकिन ये सिस्टम हजारों साल पुराना है। इंडिया और हिंदू की जो कल्चरल है, उनकी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, उसको देखिए तो ये कई हजार सालों पुराना है। अब बोलेंगे ये कैसे? जो हमारे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अब सबों के पास तो गणित की नॉलेज इतनी अच्छी होती नहीं थी, तो अगर वो कोई डिसीजन लेते थे तो उनका जो खजांजी होता था, उनका जो मुनीम जी अकाउंटेंट टाइप के जो होते थे, उनके जो कर विभाग होते थे, वो उनको एक्सप्लेन करते थे कि अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो आपका सेल यहाँ रह गया है, या आपका जो प्रॉफिट यहाँ है, आपका खजाना इतना है, और कुछ सालों बाद जब खर्चा कर देंगे तो आपका खजाना यहाँ पे पहुंच जाए। क्योंकि उनको आंकड़ों में, नंबर्स में अगर बोलेंगे कि इतना संख्या क्योंकि ज्यादा होता था ना खरब अरब, तो उनको समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो बहुत पुरानी सभ्यता है और बहुत ही पुरानी सिस्टम है किसी भी नंबर को विजुलाइज करने के लिए। अब चलिए हम बात करते हैं चार्ट्स के टाइप्स के बारे में। हालांकि जब भी कोई डेटा को सिलेक्ट करके आप इंसर्ट के अंदर चार्ट्स को लगाएंगे तो यहां पर आपको बताएगा कि इस डेटा पे कितने तरह के चार्ट्स लग सकते हैं।
लेकिन हम कौन सा चार्ट कब लगाते हैं इसके बारे में एक बार जान लीजिए। हालांकि मैंने बताया आपको कि चार्ट चाहे जो भी लगाइए उसका यूज क्यों होता है, डेटा कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे से पता करने के लिए कौन बड़ा और कौन छोटा है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज करते हैं। अब बात करते हैं कॉलम चार्ट की। तो कॉलम चार्ट में यूज कब करते हैं, जब हमारे पास जो सीरीज है, जो कॉलम्स है, वो लिमिटेड है, उसी केस में कॉलम चार्ट का यूज होता है। अब थोड़ी है कि आपके पास मान लीजिए कि 10,000 कॉलम्स है या मान लीजिए 500 कॉलम्स है, उस पर कॉलम चार्ट यूज कर देंगे तो यहाँ 500 कॉलम दिखेगा और तो समझना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, चार्ट का यूज कब भी करते हैं, समरी पे ही करते हैं। चार्ट का यूज डेटा पे नहीं होता है, चार्ट का यूज समरी पे होता है। तो ये आपका इस पे वर्क होता है। और ये जो कॉलम चार्ट है इसमें बार चार्ट भी है और बाकी चार्ट जो भी कॉलम कैटेगरी के चार्ट आते हैं, तो हम कंपेयरिंग करते हैं एक स्मॉल डेटा के ऊपर। बात करते हैं लाइन चार्ट की। तो लाइन चार्ट का यूज होता है फ्लो को देखने के, जैसे क्वार्टरली आपका रिपोर्ट है, क्वार्टरली किसको कहते हैं, 3 महीने का रिपोर्ट होता है, 90 दिन का रिपोर्ट जो होता है, जनवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, तो क्वार्टरली रिपोर्ट आपका पास है कि मान लीजिए 30 दिन का रिपोर्ट आ गया या 1 महीने का रिपोर्ट आ गया, आपको फ्लो देखना है कि कहाँ पे आपका सेल्स घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, एटली सेल्स का फ्लो क्या है, क्योंकि सेल्स एक समान तो नहीं होती है ना, तो हमें देखना होता है कि मेरा जो लाइन है, जैसे मान लीजिए कि इसी की बात कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसी को हमारा लाइन देख पा रहे हैं कि 15,000 या मान लीजिए 60, ये आपका 60 का जो आ रहा है लाइन, तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा स्टेबल नहीं है, कभी कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। तो ये तो जब लाइन चार्ट का यूज हम करते हैं तो 4-5 दिन के बीच का कंपेयरिंग उतने सही ढंग से हमें नहीं देती है, लेकिन जब हमारा डेटा कॉलम वाइज या रो वाइज बड़ा होता है तो लाइन चार्ट हमें एक अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो लाइन चार्ट के सारे इसी में एरिया चार्ट जो कि लाइन चार्ट की तरह होता है, बस एरिया कवर कर देता है। तो लाइन चार्ट की जो कैटेगरी है उसका यूज हम डेटा फ्लो करने के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट। ये जो इस तरह के देखते हैं तो क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज किसके लिए होता है, शेयरिंग देखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके 5 प्रोडक्ट का सेल हुआ है, 5 प्रोडक्ट का सेल में आपका कौन कौन से, किसका किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं पाई चार्ट का। उसके बाद यहाँ पे आपके ट्री मैप चार्ट है जो कि आपका एक्विजिशन एरिया दिखाता है कि किसने कितना एरिया को एक्वायर किया हुआ है। फिर आपके पास हिस्टोग्राम चार्ट आता है जहां पे हम फ्लो देख सकते हैं कि भाई अपना फ्लो कितना है, सिक्वेंशियल अरेंज आपको दिखाता है, ये बॉक्स है, एरर चार्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद स्कैटर चार्ट जो कि लाइंस में दिखाता है, घनत्व दिखाता है, इसका यूज हम कब करते हैं, जिससे बहुत बड़ा डेटा हो, अगर हम लाइन करेंगे तो बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा, अगर हम कॉलम करेंगे तो कई सारे कॉलम हो जाएंगे जिसमें उनको समझना मुश्किल है, तो हम यूज करते हैं ये डॉट चार्ट, इसको बोलते हैं स्कैटर चार्ट, जहां ये डॉट्स की तरह होते हैं और ये लाइनिंग भी दिखाता है, इसमें स्मूथ लाइनिंग आप इस तरह से देख सकते हैं। बबल चार्ट्स आपका एरिया और साइज दिखाता है। उसके बाद ये आता है आपका वाटरफॉल चार्ट। अब मैंने प्रॉफिट दिखा रहे हो कि जनवरी में मैंने 50 रुपए कमाया, फरवरी में मैंने 100 रुपए कमाया, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ अगर हम इसको करते हैं तो ये जो जनवरी कहाँ तक पहुंचा, ये आपका 355 तक पहुंचा, और फरवरी का नीचे से नहीं यहां से स्टार्ट हुआ। जैसे अगर आपने जनवरी में 100 रुपए कमाया और फरवरी में 50 कमाया तो टोटल आपके पास 150 रुपए हो गए ना, आपकी कैपेबिलिटी 150 रुपए की होगी ना, तो हम इस तरह से यूज करते हैं अपने स्क्रिप्ट चार्ट। ये भी आता है, टू चार्ट आता है, अब दो कॉम्बो चार्ट यूज कर सकते हैं। इन सबों के बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे।
अब मान लीजिए हमने कोई चार्ट लगाया, हम चार्ट के पार्ट्स को समझेंगे, हमने टाइप्स के बारे में जाना कि चार्ट के क्या क्या टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे चार्ट, जब एक चार्ट लगता है उसका क्या पार्ट होता है। जैसे आपके सामने एक कॉलम चार्ट दिख रहा है, इसके पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है चार्ट एरिया, जिसमें पूरा का पूरा चार्ट कवर है। फिर आता है प्लॉट एरिया, जिसपे आपका सीरीज है। फिर आता है आपके सीरीज आते हैं ये एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये आपका एक्सिस आता है। और फिर आपके आता है टाइटल्स आते हैं। अब इसमें इसके लेआउट और जो प्लस का सिंबल यहाँ पे दिख रहे हैं और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप एक्सिस का टाइटल यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लेबल्स यूज कर सकते हैं, डेटा टेबल ऐड कर सकते हैं, एरर बार ऐड कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं, ला सकते हैं, लेजेंड्स यूज कर सकते हैं, या ट्रेंड लाइन दे सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ये चीजें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसके डिजाइन से क्या होता है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो एक्सेल उस ऑब्जेक्ट को समझ के उससे रिलेटेड कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल आपको सजेस्ट करता है। ये हर चार्ट में अलग अलग रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने आपके चार्ट को समझ के इसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लेआउट को इसने यहाँ पे यूज किया हुआ। इसको बोलते हैं चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल के बाद आता है एक लेआउट। आप यहां देखेंगे तो इसको बोलते हैं लेआउट, कि चार्ट का लेआउट मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये तो डिजाइन है कि आपका डिजाइन कैसा होना चाहिए, और लेआउट बताता है कि आपके चार्ट का लेआउट कैसा होना चाहिए। ये आपके चार्ट का लेआउट बताता है। तो जैसा लेआउट आप यूज करना चाहे उस तरह से कर सकते हैं। तो चार्ट के पार्ट, अलग अलग पार्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए मुझे चार्ट एरिया को फॉर्मेट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाऊंगा, जहां पे हम अलग अलग कलरिंग है। मान लीजिए सॉलिड फिल करना है, कोई और कलर फिल करना है तो फिल कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना है कम कर सकते हैं, ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमने प्लॉट एरिया सेलेक्ट किया तो ये देखिए फॉर्मेट प्लॉट एरिया आता है। आप अगर चाहते हैं कि प्लॉट एरिया को एक अलग कलर दिया जाए तो प्लॉट एरिया का भी एक अलग तरह की फॉर्मेटिंग होती है, उसकी भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग, ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारी चीजें होती है। उसी तरह से सीरीज को जो आपने सेलेक्ट किया तो सीरीज के ऊपर आपके फॉर्मेट्स है और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने एक्सिस को सेलेक्ट किया तो ये देखिए आपका फॉर्मेट एक्सिस होता है, और फॉर्मेट एक्सिस के ऊपर आप अपने हिसाब से जो कलर करना चाहे वो कलर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं टाइटल सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट एक्सिस टाइटल सेलेक्ट हो जाता है। अगर टाइटल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट चार्ट टाइटल। तो जो चार्ट का एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी एक अलग अपनी फॉर्मेटिंग है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग आप यहां से कलर ले लिए, ग्लिम ले लिए, पिक्चर ले लिए, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। समझ में आ रहा है प्रवीण जी आपको कि नहीं? आ रहा है सर, आ रहा है। अब मान लीजिए मैं कॉपी करता हूं। अब चलिए चार्ट के एलिमेंट के बारे में जानते हैं। अब यहां पे हमने कॉलम चार्ट लिया हुआ, आपके सामने जो दिख रहा है कॉलम चार्ट, हमने कॉलम चार्ट बना लिया, सबकी फॉर्मेटिंग जो करना है हमने कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे चार्ट में कुछ और चीज भी ऐड करनी थी, जैसे कि टारगेट। तो आपने चार्ट लगाने के बाद अपना टारगेट ऐड कर दिया, और टारगेट ऐड करने के बाद दिक्कत क्या हो गया कि अब चार्ट में इसको डालना है, कैसे डालें? क्या मैं दोबारा से चार्ट लगाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। इसके दो तरीके हैं। जैसे चार्ट को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका डेटा यहाँ दिख रहा है, जहां से इसको आप यहाँ से ट्रैक करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तभी कर सकते हैं जब आपका चार्ट और आपका डेटा सेम सीट पे हो। अगर डिफरेंट सीट पे होगा तो मुश्किल होगा। तो उस केस में हम चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट डेटा।
यहाँ पे आपका सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा के अंदर चाहिए, ऐड कीजिए सीरीज, यहां पे सीरीज का नाम जैसे कि मैंने डाल दिया टारगेट, और डेटा सीरीज हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज को तो हमें एक का फ्लो और एक का क्या बोलते हैं, एक का फ्लो और एक का जो है कंपेयरिंग देखना होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए यहाँ सेल्स और यहाँ टारगेट है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टारगेट है ना वो सेम रहे और मेरा जो सेल्स है वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाए ताकि हम अपनी सेल्स की फ्लो देख सकें। तो आप क्या करें, इसको राइट क्लिक कर करेंगे और यहां पे दिखेगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सेल्स और टारगेट जो दिख रहा है, आप किसको क्या चार्ट रखना है यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे टारगेट को तो कॉलम चार्ट रखना है, लेकिन सेल्स को मुझे रखना है क्या लाइन चार्ट। तो यहां पे लाइन हो गया, यहां पे लाइन विथ मार्क हो गया, मतलब कि इस पे कॉर्नर पे मार्क नहीं है, इसके कॉर्नर पे मार्क है। सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ये आपके सामने मार्क आ जाएगा। तो दो तरह के चार्ट्स, लाइन एंड क्या बोलते हैं कॉलम चार्ट, इसको हम लोग कॉम्बो चार्ट कह सकते हैं। अगर आपको लगाना है कॉम्बो चार्ट ही लगाना है तो आप सिलेक्ट करते हुए इंसर्ट में यहाँ आपके सामने कॉम्बो चार्ट दिख रहा है, अलग अलग तरह के कॉम्बो चार्ट दिख रहे हैं, आप लगा सकते हैं। अब मेरे पास जो डेटा है ना, एक नंबर्स में दूसरा परसेंटेज में, मान लीजिए इस पे मैं चार्ट लगाया, तो आप देखेंगे कि आपका जो एक चार्ट है जो हमारा टारगेट है वो दिख नहीं रहा है, ना दिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आप यहाँ 50% देख रहे हैं बट एक्चुअल में ये 50% होता नहीं है, ये क्या होता है 0.50 होता है। तो अब देखिए 34 के सामने 0.50 का कंपेयर क्या होगा, कोई कंपेयर नहीं है। इससे मुझे एक कहावत याद आती है, बचपन में हमारे बुजुर्ग लोग जो कहावत करते थे कि बड़े बड़े ढोल के सामने खजूरी का क्या मोल, पर जैसे कि कोई बड़े लोगों की कोई फंक्शन पार्टी होती थी तो उसमें हम लोगों के जो पूर्वज थे, हमारे दादा लोग थे, वो जाने से कतराते थे, वो कहते थे कि बड़े बड़े ढोल के सामने खजूरी का क्या मोल, मतलब कि इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, नेता मिनिस्टर मंत्री आएंगे, उसमें हमारी एक किसान की क्या हैसियत होगी। तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि बड़े बड़े नंबर के सामने छोटा सा नंबर क्या दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेकेंडरी एक्सिस का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, सेकेंडरी एक्सिस। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, किसी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे चले जाइए सेलेक्ट डेटा, नहीं सेलेक्ट डेटा नहीं, माफ कीजिएगा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। थोड़ा देर पहले आपने बताया था कि हमने चेंज किया था, तो यहाँ पे जैसे मैं कर्सर कॉलम, जो मैं टारगेट है, जो परसेंटेज है, इसका मैंने एक अलग सेकेंडरी एक्सेस कर दिया ताकि यहाँ दिख जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवरराइट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आपके टारगेट और आपका सेल दोनों में ओवरराइट हो रहा है, तो सेकेंडरी एक्सेस काफी नहीं होगा, इसमें हमें इसको करना पड़ेगा लाइन चार्ट ताकि इस तरह से दिखे। जब आपके पास दो तरह के डेटा हो तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे।
समझ में आ रहा है सर आपको कि नहीं? शिवम जी समझ में आ रही है आपको? जी सर। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स चार्ट की। जैसे यहां पे हमारे पास मुझे लीड मिला हुआ है, मुझे 100 लोगों का लीड मिला, हमने कॉल्स किए तो कॉल्स पिकअप जो है 60 लोगों ने कॉल्स पिकअप किया, डेमो जो है मान लीजिए कि 25 लोगों ने डेमो लिया, 3 डेमो जो है 1 डेमो हो गया, 3 डेमो जो होता है 3 दिन का जो हमारा डेमो होता है, 3 दिन का डेमो मान लीजिए 10 लोगों ने लिया और ज्वाइन जो है हमारा 60 लोगों ने किया। अब मुझे इसको पिरामिड के रूप में शो करना है, ठीक है? तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके और इंसर्ट करेंगे चार्ट्स पे, या मोर चार्ट पे हम जाते हैं तो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, मान लीजिए सी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फुनल चार्ट भी आपको इस तरह से दिखता है लेकिन फुनल चार्ट नहीं यूज कर रहे हैं, सॉरी 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ओके मैं अभी इसको सही कर देता हूँ, कॉलम चार्ट में इसी को लिख कर आते यहाँ पे 6 लोगों ने ज्वाइन किया। अब इसको हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज में आते हैं, गलत हो गया, हमने गलत तरीके से सेलेक्ट कर लिया, इसी को सेलेक्ट करके हाँ ये सॉरी गलत तरीके से गलत चीज सेलेक्ट हो गया था, इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट मोर कॉलम चार्ट, और ये जो है ना ये आप दिख रहा होगा इसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें कौन सा चाहिए आपको यूज कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसको ले लिया, ओके ओके करने के बाद आप यहां इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, हमने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि यहाँ ये बन जाए, इस पे क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, जब इसको सेलेक्ट कीजिएगा और इस पे ये जो आपका दिख रहा है सीरीज ऑप्शन इस पे जाइएगा, तो क्या आपको बॉक्स में चाहिए या फुल पिरामिड में चाहिए या पार्सल पिरामिड में चाहिए या सिलेंडर में चाहिए या फुल कोन में चाहिए या पार्सल कोन में चाहिए, इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बोल दिया हमें फुल पिरामिड भी चाहिए। अब फुल पिरामिड में होने के कारण इसके बाद प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ कि नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे आना चाहिए, क्योंकि डेटा में ऊपर से नीचे है ना, तो आपको एक्सिस को सिलेक्ट करना है और एक्सिस सिलेक्ट करने के बाद एक्सिस ऑप्शन पे आना है और यहाँ आपको दिखेगा वैल्यू इन रिजर्व ऑर्डर। तो ऐसा करते क्या होगा कि ये आपका चार्ट रिजर्व ऑर्डर में चला जाएगा। मैं इस पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर देता हूं और इस डेटा लेवल को सिलेक्ट किया और हम फॉर्मेट डेटा लेवल में चले जाते हैं, तो नंबर ऑप्शंस में मैं बोलता हूं कि वैल्यू फ्रॉम सेल नहीं सीरीज, ये हमारा लीड आ गया, सीरीज नेम एंड अनवैल ये हमने ले लिया और नंबर फॉर्मेटिंग देना है तो दे सकते हैं। और उसके बाद ये हाँ जो होगा कि ये जो आपका सीरीज ऑप्शन है वो कैसा होना चाहिए और इसका यहाँ पे ऑप्शन भी होता है वैल लो नहीं इसमें नहीं ऑप्शन इसमें अलाइनमेंट्स में है साइज, ये आपका साइज आ जाता है अलाइनमेंट में कैसा अलाइनमेंट होना चाहिए और ये कितना बड़ा होना चाहिए कितना डिग्री एंगल पे रोटेट होना चाहिए, तब मैं यहाँ पे दिख पा रहा है और इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह क्या होनी चाहिए वो चीज आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो फॉर्मेट पे जल्दी इसके कलर को कर देते हैं व्हाइट, इस तरह से हम यहाँ इसको भी ऐड डेटा लेबल करेंगे।
अब प्रॉब्लम है कि इसको वन बाई वन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग सीरीज इसने लिया होगा और इसका भी एंगल चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आ गई एड डेटा लेबल, इसका भी यहाँ पे भी हम आपके ऑप्शंस में सीरीज नेम इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको रखना है तो इसको डिलीट कर दीजिए, चार्ट टाइटल देना है चार्ट टाइटल दे दीजिए। लाइनिंग्स नहीं, लाइनिंग डिलीट नहीं हुआ। और इसमें एक चीज और भी आती है, हम सीरीज का सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका गैप डेप्थ आता है, यहाँ से गैप को कम और ज्यादा किया जा सकता है, कितना परसेंट कर सकते हैं कितना परसेंट बढ़ा सकते हैं। देखिए जितना गैप को कम करेंगे उतना आपका बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो बहुत सारे जगहों पे पिरामिड चार्ट की जरूरत पड़ती है तो इस तरह से पिरामिड चार्ट बनाया जाता है। अब यहां पे अब कुछ कुछ और चीजें करते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम जो चार्ट बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर डेटा पे बनता है, एक चार्ट जो हम बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर डेटा पे बनता है। लेकिन मैं यहाँ एक सिंगल सेल पे, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक 25% दिया गया है, अब मुझे इसके ऊपर अपना चार्ट तैयार करना है, 25% वो कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ इसके दो तीन तरीके हैं, बताते हैं। सबसे पहला मैं यहां बनाऊंगा कि मैं यहां पे 50% माइनस इसको सेलेक्ट कर देता हूं और यहां पे 100% दे देता हूं। लेकिन ऐसे नहीं, यहां पे इक्वल दैट इज डिवाइड बाय 2 एंड 50% माइनस ए देन 50%। तो तीनों को मुझे इस तरह से तोड़ना है ताकि उसका सम 100% आना चाहिए, तीनों को इस तरह से तोड़ना है ताकि तीनों का सम जो है 100% आना चाहिए। इसको सेलेक्ट कर लिया और हम चले गए अपने पाई चार्ट। पाई चार्ट इस तरह से दिख रहा है। अब ऐसा करने ताकि जो 50% का आधा मार्ड हो, क्योंकि मैं एक 360 डिग्री नहीं 180 डिग्री का पाई चार्ट बनाना चाहता हूं। अब इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैंने क्या किया कि इसको सेलेक्ट किया और इसी में एंगल है, अगर मैं इसको 270 डिग्री एंगल पे रोटेट करता हूं तो आप देखेंगे जो 50% वाला पार्ट था वो नीचे इस तरह से आ गया। अब मैं इसको दो बार क्लिक करूंगा तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा और फिर इसकी जो कलर है ना इसको कर देंगे हम नो फेल, आधा दिख गया। अब इसको कर दीजिए हल्का ब्लैक, फिर सॉलिड फील्ड में आइए और इसको कर दीजिए हल्की ग्रे फील्ड, और भी हम लाइट करना चाहे तो लाइट कर सकते हैं, और इसको कर दीजिए डार्क ब्लैक, और इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है ना उसको कर दीजिए नो लाइन। अब इसकी जो चार्ट टाइटल है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा सीरीज में आपका चार्ट टाइटल आया हुआ है, सबसे पहले चार्ट टाइटल होता है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहां से। आप 25% आ गया ना। अब मैं यहां अपना टारगेट बढ़ाते जाऊंगा, 30% 40% 80% 100% इस तरह से दिखा सकते। अब इसको दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे 25% को या कोई ऐसी परसेंटेज को कैसे से शो कर सकते हैं, तो एक तरीका मैंने अभी भी बताया कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चलिए दूसरा तरीका भी यूज करते हैं।
तो इसके लिए मुझे 100% और यहाँ 100% कुछ सपोर्टिंग डेटा चाहिए जो कि मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। तो इसको सेलेक्ट किया इंसर्ट, और इंसर्ट पे मैंने ए वाली चार्ट ली जिसमें आप देखेंगे कि 100% है 20%। ओके, अब मैंने इसे यहां से इसको सेलेक्ट करके बाकी इसको डिलीट कर दीजिए। इन ये दो अलग अलग पार्ट, इसी के दो पार्ट हो गए ना, नहीं ये गलत कर दिया मैंने। 100% यहाँ 100%, इन दोनों को सेलेक्ट किया। इंसर्ट, हम चार्ट में इसको नहीं चार्ट में देते। हाँ अब सही है, यहाँ पे जो चार्ट है इसको हम यहाँ से लेके यहाँ डिलीट कर देते हैं। इसको भी यहाँ डिलीट कर, इसको डिलीट किया, ओ ऊपर से। अब इन दोनों का जो गैप है ना, इसको ओवरलैप कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए। और नीचे वाले जो वही जो बड़ा चार्ट है, इसका चार्ट नंबर 1-2 के जगह पे 1 कर दूंगा ताकि पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम ए, यह इसको डिलीट कर देते हैं और इसको रखने, फिलहाल इसको रखने देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट के अंदर में आपके सामने ये इसमें इलस्ट्रेशंस के अंदर शेप्स के अंदर सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर को यहाँ लेना है पहले चीज। तो इसकी कलर पहले तो मैं इसको करना है मुझे नो फिल, बट बॉर्ड लाइन जो है वो हमारा रेड कलर है, जो एक कलर ले लीजिए और लाइन की जो थिकनेस है उसको थोड़ा बढ़ा दे सकते हैं आप, मैंने बढ़ा दिया। अब इसको कॉपी किया और इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, फिल में जाते हैं और यहाँ पिक्चर्स हैं और यहाँ पे क्लिप बोर्ड, इसको क्लिक करते हैं। फिर वापस अपने सेप पे आते हैं और इसको नो लाइन बट सॉलिड फील्ड विथ सेम कलर मैंने कि रेड कर देते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद सॉलिड फील्ड पिक्चर्स एंड यहां क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां पे आप देखिए अब एक तरह से ग्लास में जो पानी हम फिल करते हैं उस तरह से हो गया। अब ये दोनों को रहने देना है। अब मैं इसको बढ़ाता हूं 50%, तो आधा ग्लास भर गया, 60% दिख रहा है सर, 40%। तो इस तरह की हम चार्ट, अब इस तरह के हजारों डिजाइन की हो सकते हैं आपके चार्ट्स के, और वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। समझ गया सर, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीकेंड्स में आपके लिए टाइम शेड्यूल करता हूँ थोड़ा सा लंबी क्लास के लिए, ठीक है? ओके सर, ओके।